पूरी दुनिया मेरे प्रिय है, बच्चा बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल, गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे सर पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा, मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा, समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। बेटा, I am already getting ready. मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चले जाओ। चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। मेरा
छैना मुड़िया मुड़िया वो छैना मुड़िया मुड़िया वो दादा दे काले काले चेहरे डर डाटा दसे और मंजिल हसे आहट से डरियो डरियो आहट से डरियो डरियो मौसम के अंदर लगे हमले से चलियो चलियो डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। देख और सिका, तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है।